इससे को दिखाया है। मैं तेजस्वी जी का अभिनंदन करता हूं, भाई हिमांशु जी का धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने राजस्थान के बहुसंख्यक लोगों के और करौली के उन पीड़ितों की आवाज बनकर इस आंदोलन की अगुवाई करी। इससे पहले भी युवा मोर्चे ने राजस्थान के बेरोजगारों के लिए 10 अक्टूबर को 10 फरवरी को रीट और बेरोजगारी को लेकर एक प्रभावी आंदोलन किया और उस आंदोलन से सरकार डरी और घबराई और उनके पाए हिले। अब ये सब उजागर हो गया कि अशोक गहलोत जी राजस्थान के गृह प्रति अपराध का आंकड़ा 6,337 है, गैंगरेप की घटनाओं का एक औसत 18 बलात्कार प्रतिदिन होते हैं अशोक गहलोत के राज में, और कानून व्यवस्था की वानगी है कि राजस्थान के इतिहास में 3 वर्षों में 7,00,000 FIR पहली बार दर्ज हुई है। इन्हीं FIR में एक साल की महिलाओं के प्रति अपराध का आंकड़ा 6,337 है, गैंगरेप की घटनाओं का एक औसत 18 बलात्कार प्रतिदिन होते हैं अशोक गहलोत के राज में। केवल यही नहीं, दलितों के प्रति 40% उत्पीड़न की घटनाएं बढ़ी है इनके राज में आने के बाद में। महिलाओं पर उत्पीड़न और दलितों पर हमले ये आम बात है इनके राज में। लोग कैसे भूलेंगे कोरोना के उस कालखंड में जब रेवंत सिंह पर इसी तरीके से वहां के मुस्लिम लोगों ने उन पर आक्रमण किया और उनकी हत्या कर दी। इसी तरीके से हरीश जाटव की मॉब लिंचिंग में हत्या हुई। झालावाड़ के कृष्णा वाल्मीकि की इसी तरीके से मॉब लिंचिंग में हत्या हुई। न प्रियंका गांधी आई, न राहुल गांधी आए, न अशोक गहलोत बोले, और गृह मंत्री बनने का राज अब खुला कि गृह मंत्री के नाते अपने लोगों की जासूसी करना, लोगों की जन सुरक्षा की बजाय अपनी कुर्सी की सुरक्षा के लिए पुलिस को उसमें जासूसी में लगाना, अपने ही लोगों पर राजद्रोह के मुकदमे करना, और केवल अपने नहीं जो इस रामनवमी की और हिंदू नववर्ष की रैली का आयोजक थे उनके खिलाफ 108 के और राजद्रोह तक के मुकदमे दर्ज किए हैं। राजस्थान के हजारों लोगों के खिलाफ 107, 116 के डिटेंशन की कार्रवाई सरकार ने की हजारों की तादाद में। अकेले हिंडौन में 1400 लोगों को नोटिस दिए हैं। ऐसे अनेकों जगह इस अपीजमेंट के कारण गृह मंत्री इसलिए बने कि वोट बैंक के कारण वो तुष्टीकरण करें और उस तुष्टीकरण के कारण अपना वोट बैंक पुख्ता करें। राजस्थान में इससे पहले मालपुरा में बहुसंख्यक हिंदुओं ने इसी तरीके के मोहल्लों से पलायन की शुरुआत करी। करौली में भी 7 परिवार जगह छोड़कर जा चुके हैं। हमारा प्रतिनिधि मंडल शांतिपूर्वक तरीके से करौली जाना चाहता था, हालात का जायजा लेना चाहता था, उन पीड़ितों के आंसू पहुंचना चाहता था। हम लोग न्यायिक जांच की मांग कर रहे हैं, हम लोग उन दोषियों को पकड़ने की मांग कर रहे हैं, हम उन